भाई प्लानिंग सीक्वेंस वाली फिल्मों की बात ही अलग होती है। इन फिल्मों को देखने का जो थ्रिल होता है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं होता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 10 ऐसी फिल्में जो कि प्लानिंग सीक्वेंस पर बेस्ड हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को खोला है इसका मतलब आप मूवी सिनेमा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दी गई लाल बटन को और दबा लो ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो यार बिना 2 मिनट की और ज्यादा देरी के करते हैं इस धांसू वीडियो की शुरुआत। अगर प्लानिंग सीक्वेंस की बात हो रही है तो ओशन 11 को हम कैसे भूल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्लानिंग सीक्वेंस है। इसमें डैन ओशन और उसके कुछ साथी कसीनो की हाइस्ट को अंजाम देते हैं और भाई यकीन मानिए इसमें प्लानिंग सीक्वेंस भी गजब के हैं। बात करें दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, वो है 7.7 जो की भाई एक अच्छी खासी रेटिंग है एक फिल्म को देखने के लिए। भाई दोस्तों हमारी अगली फिल्म का नाम है द नेक्स्ट 3 डेज। अब दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक कंडीशन में डालने जा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपकी वाइफ पर आरोप लगा है कि उसने मर्डर किया है और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसने मर्डर नहीं किया है। पूरे सबूत उसकी वाइफ के खिलाफ उल्टे ही जाते जा रहे हैं और उल्टा उसकी वाइफ और भी ज्यादा फंसती जा रही है। अब एक तरफ आपकी वाइफ ने कुछ भी नहीं किया है, उसे उल्टा जाकर फंसाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको उसे बचाना है। अब दोस्तों आपका तो नहीं पता लेकिन इस मूवी में इस प्रोटैगनिस्ट की तो ये मजबूरी बन गई है कि कैसे भी कर उसकी वाइफ को बचाना है। तो इस फिल्म का नाम है द नेक्स्ट 3 डेज। भाई दोस्तों बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो भाई उसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाने वाला है जो कि है 7.3 out of 10। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हमारी अगली स्टोरी के बारे में, कैप्टन फिलिप्स जो कि सन 2013 में आई थी। अच्छा दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक फिल्म के बारे में ये सुन लेते हैं कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है तो उसको देखने का और भी ज्यादा मजा बढ़ जाता है ना, सही सही बताना। तो कैप्टन फिलिप्स एक ऐसी स्टोरी है जो कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जो कि सन 2009 में हुए रिचर्ड फिलिप्स के इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक्चुअली US फ्लैग का अमेरिकन कार्गो शिप कुछ लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है रिचर्ड फिलिप्स की कि वो कैसे भी कर यहाँ से एस्केप करे, किस तरीके से अपने प्लान को रचते हैं और किस तरीके से यहाँ से वो एस्केप करते हैं, इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है कैप्टन फिलिप्स में। और दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत ही खास है जो कि है 7.8 out of 10। तो भाई हमारी अगली फिल्म का नाम है टेकर्स जो कि सन 2010 में आई थी। अच्छा दोस्तों एक मल्टी मिलियन डॉलर प्लान बनाया जाए और उससे एक बैंक को भी रॉब कर लिया जाए, लेकिन दोस्तों कबाब में हड्डी बनने के लिए एक डिटेक्टिव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यही एक स्टोरी लाइन फॉलो करने वाली फिल्म है जिसका नाम है टेकर्स जो कि सन 2010 में आई थी। भाई दोस्तों बात करें अगर इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 6.2 out of 10। एक बैंक रॉबरी का प्लान ठीक तरीके से रचने के लिए इस फिल्म को रिकमेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों आने वाली फिल्म को रिकमेंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसके नाम में ही प्लान है तो भाई प्लान तो होना ही है। तो इस फिल्म का नाम है SK Plan। अच्छा दोस्तों मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा, आप और आपके दोस्त को एक बहुत ही सिक्योर जगह पर रख दिया जाए जिसको कि दुनिया की सबसे सिक्योर जगहों में से एक माना जाए, अब आपको उस जगह पर बंद कर दिया गया है, अब आप कैसे छूटेंगे मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों अब SK Plan मूवी में तो इन लोगों की ये मजबूरी हो चुकी है कि कैसे भी कर यहां से निकलना है। अब ये लोग अपनी कैसी प्लानिंग बनाते हैं इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको तो भाई SK Plan देखना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें अगर इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 6.7 out of 10 विच इज गुड वन। तो हमारी अगली फिल्म का नाम है 2008 में रिलीज हुई दी बैंक जॉब। अरे नहीं नहीं भाई, कोई क्लर्क की जॉब नहीं है, बैंक के एम्प्लॉय के बारे में नहीं, बैंक को रॉब करने वाले की कहानी। कहानी के बारे में ज्यादा ना बताते हुए आप सीधा कहानी ही जाकर देखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। अब वहीं दोस्तों प्लानिंग सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है तो भाई हमारी एक इंडियन मूवी भी है जिसको सपोर्ट करना बनता ही है। अब दोस्तों हम ही हमारे देश को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस फिल्म का नाम है भाई बदला। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस फिल्म को देख लिया हो, लेकिन दोस्तों अभी तक जिन्होंने नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ा मास्टरपीस मिस कर रहे हैं यकीन मानिए। वही दोस्तों बात करें एक कॉमन स्टोरी लाइन के बारे में तो एक लड़की होती है उससे अपने लवर का मर्डर हो जाता है। अब इस स्टोरी में सबसे बड़ा खेल यहीं पर आता है कि क्या उसने सचमुच में मर्डर किया हुआ है। अब उस लड़की के लवर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो एक लॉयर को हायर करती है और वो लॉयर धीरे धीरे कर सवाल पूछता है, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की बार बार कुछ छुपा रही है। अब वो ऐसी क्या बात है जो छुपा रही है और किन बातों से उसे डर लग रहा है, इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है बदला मूवी में। और बात करें दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो भाई वो बहुत ही खुश कर देने वाली है जो कि है 7.8
10/10। तो भाई हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है ब्लैक फ्राइडे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी लाइन फॉलो करती है 1993 में हुए सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में। अब ये कहानी आपको सुनने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रही होगी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खासियत इस कहानी की यही है कि जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। एंगल्स से सुनाया जाता है, कभी पुलिस के एंगल्स के थ्रू, कभी कॉन्स्पिरेटर्स के थ्रू, कभी विक्टिम के एंगल्स के थ्रू, कभी मिडिलमैन के एंगल के थ्रू। और भाई यकीन मानिए जब आपका दिमाग खुद घूमना चालू होगा ना इस मूवी को देखने के बाद, तो आप बिल्कुल पगला जाएंगे। अब ऑडियंस को तो इस मूवी ने पहले ही पगला दिया है, क्योंकि दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग ही इस बात की गवाही दे रही है, जो कि है 8.5/10। अब चलिए दोस्तों इस फिल्म की आखिरी फिल्म के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एनीथिंग फॉर हर। अब जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक लड़का एक लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है, वही ये कॉमन स्टोरी लाइन फॉलो करती है एनीथिंग फॉर हर। अब एक स्कूल टीचर होता है और उसकी वाइफ को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये जो हाई स्कूल टीचर है वो एक बहुत ही डेयरिंग प्लान तैयार करता है ताकि वो उसकी वाइफ को छुड़वा सके। क्या वो उसकी वाइफ को छुड़वा पाएगा या वो जेल में ही अपना दम तोड़ देगी? और अगर वो हाई स्कूल टीचर उसे छुड़वा पाता है तो किन चीजों का उसको सामना करना पड़ेगा और वो किस तरीके का प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, इन सारी चीजों का जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एनीथिंग फॉर हर, जो कि सन 2008 में रिलीज हुई थी। और बात करें दोस्तों अगर इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 7.1/10। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी है और आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म अब तक की रह चुकी है, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी यार इसी तरह के कंटेंट हम आप तक पहुंचा पाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो। लेकिन दोस्तों आपकी फेवरेट सीरीज और मूवी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक सिद्धासु वीडियो में, तब तक के लिए बाय।